मेरा नाम अभिषेक साहनी है। अभिषेक जी, ये जो कुर्ता है जिसमें आप बैठे हैं, किस लिए लाए हैं, कहाँ से लाए हैं? ये लाए हैं मोदी जी के सांसदीय क्षेत्र बनारस से लाए हैं बोट। इनके लिए खास तौर पर हम लोग सजावट कर रहे हैं, और ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो बन रहा है कार, सब ये मोदी जी मुआयना करेंगे इसका, जो है जगह जगह जहाँ पर किया जा रहा है वहाँ वहाँ मुआयना करेंगे, यहीं से बैठेंगे और तैयारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है जी। तो वहाँ बनारस में बैठे हैं इस पर? इस पर बनारस में नहीं बैठे हैं, हमारे बड़े भाई सोनू माझी उनके बोर्ड पर बैठ चुके हैं। अच्छा, जो ये इलाहाबाद में पिछले साल प्रियंका गांधी ने वो किया था, हाँ हाँ, तो इसे किया था? हमारी बोट पर ही किए थे उन्होंने, दूसरे बोट पे किए थे प्रियंका गांधी। हाँ, वो मेरी सेम बोट है, ये छोटी है वो बड़ी थी। अच्छा, तो उसमें कौन बैठा था? उसमें प्रियंका वाड्रा बैठी थी। कहाँ ले गए थे उनको? उनको वहाँ मनैया घाट से जो है पूरा वाराणसी तक ले गए थे। तो उस बार प्रियंका गांधी को ले गए थे, इस बार मोदी जी को ले जा रहे हैं। तो मतलब दोनों बार तुम ही यूज कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्साह है कि बिल्कुल उत्साह था कि इसमें ज्यादा उत्साह? अब दोनों में उत्साह मिल रहा है सर, इस टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है क्योंकि ये तत्काल प्रधानमंत्री हैं। और उनको किनको, तो मतलब तुम्हारा अनुभव क्या कहेगा, किसको किसको घुमा चुके, सब कोई पूछेगा तो सबसे ज्यादा किसको किसको घुमाया पूछा जाएगा? अब घुमाए तो बड़ी लोग को घुमाए, मंत्री लोग को भी घुमाए मैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं इनको थोड़ा घुमाने में कुछ और होता तो है। सबसे बड़े किनको घुमा चुके? ये पहली बार हो रहा है प्रधानमंत्री, पहले इससे पहले प्रियंका वाड्रा को घुमा चुके हैं, अब दूसरा मोदी, अब ये मोदी जी आ रहे हैं तो और उत्साह हो जा रहा है। तो जब उनको लेके जाओगे, सुनते हैं कि नाविकों से जब कुंभ में घूमने गए थे मोदी जी ने नाविकों से बात भी की थी बनारस में एक बार, बिल्कुल बिल्कुल उत्साह है कि तुमसे बातचीत करने का मौका मिलेगा? मिलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलेगा, तो हम लोग अपने जो हम लोग का क्षेत्र के हम लोग बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या कहोगे उनसे, क्या उनसे क्या डिमांड करोगे, क्या कहोगे? कोई डिमांड नहीं रहेगा सर, आएंगे ये बस पूछेंगे कि बोट वोट अच्छा लगा कि नहीं लगा घूमने में, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कोई इसमें गलती होगा तो बता दीजिएगा उसको, सब ये पूछोगे मतलब? हाँ। कोई फरमाइश नहीं करोगे? फरमाइश नहीं, प्रधानमंत्री से मिलोगे फिर भी कोई फरमाइश नहीं? फरमाइश नहीं सर करेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद इतना कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हम कोई फरमाइश नहीं करेंगे, जैसे चला रहे हैं देश उसी तरह बहुत बढ़िया चल रहा है।